मैं कहूंगा महात्मा गांधी, आप सब बोलिए अमर रहे अमर रहे। महात्मा गांधी, महात्मा गांधी। आज का दिवस ही हिंदुस्तान के इतिहास में अंग्रेजों भारत छोड़ो इसका है। हम लोग आंदोलन चला रहे हैं गंदगी भारत छोड़ो। मैं बोलूंगा गंदगी, आप लोग बोलिए भारत छोड़ो। गंदगी, गंदगी, गंदगी। मेरे सामने एक प्रकार से लघु भारत है। देश के अलग अलग राज्यों के और अलग अलग राज्यों की वेशभूषा में आप सभी बच्चों के साथ में बात करके आज पूरे हिंदुस्तान के साथ बात कर रहा हूं। आप सभी मास्क पहन करके आए हैं और अपने दोस्तों के साथ दो गज की दूरी भी बना करके बैठे हैं, चलते हैं। आप सब नियमों का जिस तरह से पालन कर रहे हैं वो देख करके सचमुच में मन को बहुत आनंद हो रहा है। कोरोना से इस तरह लड़ाई, मैं समझता हूं कि इस लड़ाई लड़ने के यही हथियार है और आपने उसको बहुत ही अच्छे तरीके से अपने साथ जोड़ा है। हमें बाहर भी निकलना है, अपनी गतिविधि भी करनी है और कोरोना से बचना भी है और इसके लिए मास्क पहनना, दो गज की दूरी बनाए रखना और कहीं पर भी जहां मर्जी पड़े स्पीड करना, थूकने से हमने बचना है, वरना लोगों को आदत होती है। अच्छा, ये बताइए कि आप सभी ने राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र अंदर से देखा क्या? हाँ, जरा जोर से बोलिए ना। देखा? अच्छा, ये केंद्र कैसा लगा आपको? हाँ बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम अनन्या सिंह है, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, मैं कक्षा 9वीं में पढ़ती हूँ। मुझे ये केंद्र सबसे अच्छा लगा इसलिए क्योंकि मुझे सबसे अच्छा हॉल 1 लगा, क्योंकि इसका जो थिएटर है वो 360 डिग्री घूमता है और इसमें जो हमें मूवी दिखाई गई मुझे उससे सीखने को बहुत कुछ मिला और मज़ा भी बहुत आया। कोई भी यहाँ आएगा तो उसको जरूर एक नया अनुभव होगा, आपको भी अच्छा लगा। लेकिन मुझे खुशी हुई कि आपने टेक्नोलॉजी का कमाल भी देख लिया। अब आप बताइए हाँ। जय हिंद सर, मेरा नाम पॉल काजल सांग है। कहाँ से हैं सर? मैं मणिपुर से। मणिपुर से? 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मुझे वीडियो गेम्स खेलना बहुत पसंद है। अच्छा, इसलिए मुझे स्वच्छता गेम्स खेलने में सबसे ज्यादा मजा आया। तो आप वैसे समय कितना लगा देते हैं वीडियो गेम में? तो मैं वीडियो गेम्स खेलने में मजा जो आता है इसलिए। तो घर के सब लोग नाराज हो जाते होंगे आपसे? हो जाते हैं कभी कभी। देखिए, आप मणिपुर से हैं और नॉर्थ ईस्ट, हम सबको बहुत कुछ सीखने जैसा है नॉर्थ ईस्ट से। साफ सफाई पर नॉर्थ ईस्ट में इतना बल दिया जाता है और एक प्रकार से वहां के व्यक्ति के जीवन में, समाज के जीवन में एक संस्कार है। और जब आप नॉर्थ ईस्ट से यहाँ आए हैं, वीडियो गेम्स के साथ आपने आनंद भी लिया लेकिन उसमें कुछ न कुछ सीख भी है इन वीडियो गेम्स में। तो मैंने भी आज देखा, मेरे पास तो उतना समय नहीं होता है कि मैं खेलने के लिए बैठ जाऊँ। बहुत धन्यवाद आपको। हाँ, और कौन है? हाँ बताइए। नमस्कार सर, मेरा नाम अदीबा बिलाल है, मैं दिल्ली से कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। मैंने यहाँ स्वच्छता पे क्विज खेली जो मुझे बहुत पसंद आई, इसमें मैंने बहुत मजे भी किए और फिर मैंने इसमें फुल मार्क्स तो हासिल भी किए हैं। तो कितना मार्क्स मिला?
100 out of 100। वाह शाबाश। तो इसको कारण हो गया कि आपको मन करेगा कोई भी क्विज कंपटीशन है तो आपको कभी डर नहीं लगेगा, हैं? आप जीत सकती हो। yes, पक्का? हाँ। देखिए सभी बच्चों ने ये क्विज कंपटीशन में ट्राई करना चाहिए, इससे हमारा सोचने का तरीका, जल्दी से सोचने का तरीका, इन सारी चीजों को हमें एक आदत हो जाती है, उसके लाभ भी होता है और एक प्रकार से फ्रेशनेस, मन भी प्रफुल्लित हो जाता है, फ्रेशनेस रिफ्रेश हो जाते हैं और इन्फॉर्मेशन भी अंदर जुड़ती चली जाती है। हमारा कैपेसिटी सॉफ्टवेयर हमारा और तेज हो जाता है। और कोई है जो कुछ कहना चाहते हैं? हाँ जय हिंद सर। सर मैं आर शंकर तमिलनाडु से कक्षा 10वीं का छात्र हूँ। वनकम। वनकम सर। सर मैं सर मुझे यहाँ पे सबसे ज्यादा फोटो बूथ पर अमिताभ बच्चन जी के साथ दरवाजा टॉयलेट के सामने फोटो खिंचाना अच्छा लगा। अच्छा सर मैं ये फोटो अपने घर लेकर जाऊंगा और अपने कमरे में दरवाजे पर लगाऊंगा। वाह तो आपको लोगों को बताना पड़ेगा ये फोटो तो दरवाजा बंद की है, हैं? और सब हर किसी ने दरवाजा बंद के कल्चर को अपनाना होगा। चलिए बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे। सर मेरा भी आपसे एक प्रश्न है। अच्छा पूछिए। सर आपको यहाँ पे कौन सा जोन सबसे ज्यादा अच्छा लगा और पसंद आया? वैसे सब चीजें बहुत अच्छी है। यहाँ पर गेट पर आते ही चश्मे वाला गेट बनाया गया है तो गांधी के चश्मों की याद दिलाता है और अंदर बहुत सी जानकारियां हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो मुझे हमेशा ही मेरा एक आकर्षण रहता है वो गांधी होलो जो बॉक्स है वो बहुत ही पसंद आया। यानी 3D में महात्मा जी को देखना जैसा लग रहा है अभी हमसे ही हमारे सामने खड़े हैं, उनके आवाज़ सुनना, उनके शब्दों को फिर से एक बार, उनका संदेश सुनना मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। तो आज भी वो मुझे मौका मिल गया और मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने भी जो गांधी जी बोल रहे हैं उसके एक एक शब्दों को बराबर बारीकी से सुना होगा। सुना है ना, याद रहेगा, अपने दोस्तों को बताएंगे। चलिए मुझे जानकर खुशी हुई कि आपको भी, बैठिए, स्वच्छता के विषय में उतनी रुचि है जितनी अन्य विषयों में भी है। अच्छा आप में से कोई मुझे और कुछ कहना चाहता है क्या? तो मैं अपनी बात करूं अब, हैं? कोई है कि? हाँ बताइए। नमस्ते सर। नमस्ते। मेरा नाम मिडोना है, मैं गुजरात से कक्षा 8वीं की छात्रा हूँ। आपने हमें यहाँ बुलाया उसके लिए धन्यवाद, और हमें आना बहुत अच्छा लगा। हमने यहाँ पे स्वच्छता केंद्र देखा और उसमें हमने स्वच्छता शपथ भी ली। तो आपके हिसाब से हम बच्चे इसमें मदद कैसे कर सकते हैं? आपने देखा होगा बाहर आते ही समय सारे बच्चे वानर सेना किस प्रकार से गांवों के अंदर सिटी बजा करके जो लोग नियम कानून तोड़ते थे उनको रोकते थे, आपने देखा होगा बाहर पेड़ पे सब बनाया हुआ है। तो ये जो वानर सेना है यानी आप जैसे बच्चों की ताकत जो होती है वो बहुत बड़ी होती है। मुझे कई लोग ऐसा कह रहे थे जब ये स्वच्छता अभियान, अब तो वो एक प्रकार से स्वभाव बन गया है, लेकिन शुरुआत में थोड़ी क्यूरियोसिटी थी तो लोग मुझे कहते थे कि हमारे बच्चे हमको परेशान करते हैं, बोले कहीं कोई चीज डाल दी तो घर में आकर के कह रहे हैं दादू इसको ठीक करो, ये ठीक नहीं कर रहा। और एक प्रकार से बच्चों ने इस मूवमेंट को बहुत चलाया, आप लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। अब जैसे घर में कूड़ा कचरा है, इतनी आदत डाली है भाई गीला कचरा एक बाजू सूखा कचरा एक बाजू, आप अपने घर में अपने अड़ोस पड़ोस में सिखा सकते हैं। प्लास्टिक उपयोग नहीं करना, कहीं थूकना नहीं, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो सहज रूप से हम लोग कर सकते हैं और इसको भी स्वच्छता का आंदोलन हम बना सकते हैं।